السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد قال الله تبارك وتعالى في مقام اخر وانك لعلى خلق عظيم محترم साम हाज़री मजलिस मजलिस में मौजूद करबिल अहतराम माओ और, और बहनों अभी तक आप फजल शेख खलीमान सनाबली हज़ेल्ला का खिताब समात फरमा रहे थे वाकई इस मौजूदा दौर के अंदर उन्होंने जो बातें पेश कि उस पर हमें बहुत ग़ौर करने की बात है और उन बातों को अपने ज़हन में बिठाने की ज़रूरत है क्योंकि आज के हालात में एक इंसान इन चीज़ों को देखता है तो बाज दफ़ा उसके दिल के अंदर ये ख़्याल पैदा होता है कि आखिर हम अल्लाह को मानते हैं अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं खसूस एक नमाजी गुज़ार वो ये सोचता है शैतान उसके दिल में आकर वसवसा डालता है कि देख तू अल्लाह की बात मान रहा है नमाज़ पढ़ रहा है सब कुछ कर रहा है फिर तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और ये बात वो दिल के अंदर डाल करके वो अल्लाह का नाशुकर बंदा बनाता है सब्र करने वो के बजाय वह नाशुकरी की तरफ लेकर जाता है हमेशा आपकी जिंदगी में जब परेशानी आए तो शेख ने जो बातें कही हैं उन चीजों को अपने जहन में रखें और आप जहन में इस बात को बिठा लें कि अल्लाह का उसूल है टॉपिक मेरा दूसरा है लेकिन एक बस सिर्फ एक पॉइंट बयान करना चाहता हूं रब्बुल इज्जत का उसूल है वो उसूल आप जहन में रखेंगे इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहेंगे तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आप ये तसवुर करेंगे कि अल्लाह इसके ज़रिए से मेरी खताओं को बख्श रहा है माफ़ कर रहा है अल्लाह का ओसूल क्या है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मैं यूरिद ही खेरन यूसुफ मीन हूँ इसका तर्जमा आप सुनेंगे तो सोचेंगे शायद मोना साहब उल्टा तर्जमा कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से महब्बत करता है अल्लाह तबारक तआला जब किसी को चाहता है अल्लाह तबारक तआला जब किसी बंदे से चाहत रखता है यू से मिन हो तो अल्लाह इज्जत उसको मुसीबत में डालता है बाहर यह चीज हमारे अक्ल के खिलाफ है क्यों क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको हदीये देते हैं उसको तोहफे देते हैं कभी घड़ी की शकल में कभी इत्र की शक्ल में कभी पैसों की शक्ल में कभी मिठाई की शक्ल में कभी फ्रूट्स की शकल में लेकिन अल्लाह तबारक वाले का उसूल यहां पर हटकर है अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको मुसीबत में डालता है क्यों मेरे भाई अल्लाह देखना चाहता है कि कितना ईमान वाला है इसके अंदर जो ईमान है ये जमने वाला है कि फिसलने वाला है तो इस हदीस की रोशनी में आपकी जिंदगी में अगर परेशानी आए तो आप सोच लें हो सकता अल्लाह तला आपको आजमा रहा हो ये ना सोचे कि मैं तो कोई गलती करता ही नहीं फिर अल्लाह मुझे क्यों आजमा रहा है आप सोचे अम्बिया कराम वो तो मासूम है फिर अल्लाह उन्हें क्यों आजमाता था अल्लाह उन्हें क्यों आजमाता था ताकि एक बंदा जमा रहे और आप ये सोचे मेरे भाई कि आप परेशानियों पर आप जमे रहेंगे तो उस परेशानी पर जमे रहना अल्लाह तबारक वाल आपके उस जमने पर आपके खताओं को माफ कर देगा अल्लाह तला हम तमाम लोगों को शेख की बातों पर अमल करने की तोहफे पता पर पाए आज का जो मेरा टॉपिक है अखलाक हसना की अहमियत व फीलत यह बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि यह आज हमारे माशरे के लिए बहुत जरूरत है और ऐसे दौर के अंदर जिस दौर के अंदर मुसलमानों के तलुक़ से खसूस गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जरिए फेसबुक पर व्हाट्सएप पर एक पूरी टीम बैठी हुई है जो खसूस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग ज़ाविये से उनको बदनाम करने की कोशिश करती है हमें ऐसे माहौल के अंदर खूस अपने अख़लाक को भी अच्छा बनाना है अपने किरदार को भी अच्छा बनाने की कोशिश करना है क्योंकि अगर हम अपने किरदार को अच्छा नहीं बनाएंगे तो सिर्फ शिकवा करते रहेंगे आज का मुसलमान इतने शिक्वे शिकायत करता है कि जिसकी कोई हद नहीं और शिकवा शिकायत करता भी किससे है इंसानों से अल्लाह हाँ की शिकायत बंदों से करता है इतना बड़ा गया गुजरा जालिम इंसान जिसको बराबर उर्दू तो दूर की बात जो दुआ पढ़ रहा है वो भी नहीं आती अल्लाह की शिकायत जाके बंदों से करता है कि इतना दिन से फुला काम कर रहा हूँ अल्लाह मेरी मदद नहीं कर रहा है इतना दिन से तिजारत कर रहा हूँ अल्लाह मेरी मदद नहीं कर रहा है इतना दिन से मैं फुला के ताल्लुक से दुआ कर रहा हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है शिकायत कर रहा है अल्लाह तला की नहीं अल्लाह व तआला के तालुक से शिकवा शिकायत आप बंदे से कर रहे हैं और भी शैतान आगे बढ़ाता है तो जाकर के शिर्क भी कर डालता है जाके अल्लाह को छोड़कर के गे गैरुल्लाह से मांगना शुरू कर देता है अल्लाह की नाशुक् के पर आ जा जाता है तो अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने अपने सर को जाकर टेक देता है यह चीज नहीं होनी चाहिए यह चीज हमें इस्लाम नहीं सिखाता है इस्लाम हमें सिखाता है कि हम कैसे भी हालत में रहें किसी भी सिचुएशन में रहें अल्लाह के हुक्मों को ना तोड़े आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अपनी कैफियत पर तो ध्यान दें आपकी आप क्या कर रहे हैं जो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही है क्या उस लायक है कि आपकी दुआ कबूल हो अपने आमाल पर कभी हम गौर नहीं करते हैं अपनी चीज़ों पर कभी हम गौर करने की कोशिश नहीं करते हैं कि इंसान अमल कर रहा होता सोचता मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया लेकिन आप उन अमलों के साथ साथ उन अमाल के साथ साथ कुछ ऐसे अमल कर रहा होता है जिसके बिना पर उसकी बदखुल्की के बिना पर वो अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होते और दूसरी डेंजर बात है मेरे भाई कि कबूल भी हो गए तो आप जब कयामत के मैदान में पहुंचेंगे तो अच्छे अखलाक ना होने के बिना पर यह बदबख्ती होगी उस शख्स के लिए कि दुनिया के अंदर वो इंसान जो लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश नहीं आता था लोगों के साथ बदखल्की किया करता था लोगों के साथ बदतमीजी किया करता था क्यामत के मैदान में जब वो बंदा आएगा उसकी नेकियां और बर्बाद हो जाएंगी वो सोचता रह जाएगा कि मैंने नेकियां की थी इतनी सारी मैंने नमाजें पढ़ी थी इतने सारे रोजे रखे थे नमाफिल भी मैंने अदा किए थे इसे कहाँ चले गए वो चीज़ें उसकी गायब हो जाएंगी आज एक इंसान पैसे कमाता हो तो उसकी कितनी हिफाजत करता है बहुत हिफाजत करता है ना और आज के दौर में तो पेटीएम इस्तेमाल करता है जेब में पैसे भी नहीं रखता है कोई चुरा ना ले अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको बराबर संभाल के रखता है बहने जीवरत बहुत संभाल के रखती हैं लेकिन नेकियां करने के बाद आदमी के अखलाक अगर अच्छे ना हो तो वो नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं मेरे भाई कि आप इतनी मेहनत से नेकी करें और जब कयामत के मैदान में पहुंचे आपके अख्लाक अच्छे ना होने की बिना पर वो नेकियां नेकिया बर्बाद हो जाए तो उससे बड़ी बदबकी और क्या हो सकती है एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक मरतबा साहब रजी से आपलम ने पूछा कि अरे सहाबा आप हमें यह बताएं कि मुफलिस कौन है मुफलिस कौन है फकीर कौन है भिखारी कौन है अतदरून मुफलिस क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है आज भी आप किसी आम आदमी से पूछेंगे भाई मुफलिस कौन है तो हम भी यही जवाब देंगे कि भाई जिसके पास पैसे ना हो घर ना हो सही से खाने का ना हो वही मुफलिस ने भी यही जवाब दिया अल वला कि हमारे दरम्यान मुफलिस है जिसके पास रूपये ना हो जिसके पास दीनार ना हो जिसके पास मालो दौलत ना हो वही मुफलिस है और हकीकत में यही समझ में आ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अल मुफ्लिसु मिन उम्मती मेरी उम्मत का मुफ्लिस वो आदमी है मेरी हम उम्मती है ना मेरी उम्मत का मुफ्लिस वो आदमी है यौम अल कियामती जो क्यामत के दिन आएगा खाली हाथ नहीं आएगा उसका हाथ खाली नहीं होगा बिसलातिन नमाज पढ़ के आया होगा पहला जुमला क्या जिक्र किया के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिसलातिन वो नमाज के साथ आएगा वह जकत उसने जक़ात भी अदा की होगी उसने अल्लाह तबारक वाले के रास्ते में सदक भी किया होगा रोजा भी रखा होगा रमजान के महीने के रोजे के साथ साथ में उसने नमाफिल रोजे भी रखे होंगे, इन तमाम अमाल के साथ आएगा लेकिन बदखुल्की की बिना पर उसके अच्छे अखलाक न होने की बिना पर नमाज तो पढ़ता था रोजे भी रखता था जक़ात भी देता था सदक़ात भी अदा करता था लेकिन साथ साथ में क्या करता था गाली बकता था महादा ये बुरे अखलाक की अलामत है जिसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा महादा। आप तस्वर करें कि आज उम्मत के अंदर गाली को कितना मामूली समझा जा रहा है मामूली समझा बहुत मामूली समझा जाता है बात बात पर बीवी ने कुछ गलती कर दिया नमक थोड़ा ज्यादा गाली देना शुरू कर दिया मां बहन की गाली उसके खानदान वालों को गाली तेरे खानदान वाले ऐसे तेरा बाप ऐसा तेरी माँ ऐसी तेरे, तेरे पूरे खानदान को गाली देता है कभी बच्चों को गाली देना शुरू कर देता है रास्ते में चल रहा है किसी से ठोक उसको गाली देना शुरू कर दिया महा नमाज पढ़ रहा था साथ में ये काम भी कर रहा था कदशत महादा व कद फा उसने किसी पर बोहतान लगाया होगा बड़ी आसानी से हम लोगों पर बहुतान लगा देते हैं किसी के ताल्लुक से कोई बात कह देते हैं उसकी तहकीक नहीं करते हैं जबकि ये आमाल इंसान के आखरत के अंदर उसकी नेकियों को जाय और बर्बाद कर देंगे अकलमाल माल ले लेते हैं फोन बंद करके बैठ जाते हैं कि अब मेरा क्या कर पाएगा वो मोबाइल नंबर चेंज कर दिए अब बेचारा वो फोन कर रहा है जिसका पैसा लेकर के बैठे थे वो सोच रहा है कि कहां गया बंदा आप नंबर तो बंद कर देंगे लेकिन अल्लाह के पास से आपका नंबर बंद नहीं होगा अल्लाह के पास जो अकाउंट लिखा हुआ है जो फरिश्ते लिख करके रखें वहां से बंद नहीं कर सकते हैं। वहां आपका नाम लिखा हुआ कि आपने से पैसा लिया है वह अकलमा वह सफा किसी का खून बहाया किसी को मारा आपकी पूरी नेकियां उठा करके उस बंदे को दे दी जाएंगी जिसको आपने गाली दी थी जिसको आपने मारा था जिसका आपने पैसा खाया था जिसको आपने खून बहाया था और उसकी पूरी बुराइयां उठाकर आप पर डाल दी जाएंगी आपको उठा करके जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा किस बंदे को जो दुनिया में नमाज तो पढ़ता था लेकिन गाली भी बकता था नमाज तो पढ़ता था दूसरों को सताता भी था नमाज तो पढ़ता था लेकिन बद अखलाकी के बिना पर क्या करता था बुरे काम भी करता था तो पता यह चलता है कि अखलाक इंसान के अच्छे ना हो तो उसकी तबाही और बर्बादी की शुरुआत दुनिया में तो होगी ही

ये बहकी बहकी बातें करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नहीं आप पागल नहीं पागल तो वो लोग हैं पागल वो लोग हैं जो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं आप तो अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज है आपको अल्लाह ने बुलंद अखलाक वाला बनाया है क्या आप इतने अच्छे अखलाक वाले हैं कि बाजार में अल्लाह तबारको ताला की तरफ लोगों को बुला रहे हैं और एक बदबक अबू जहल आपके सर पर मिट्टी डाल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे बदखल कौन है किसका दिमाग पागल है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है या वो शख्स जो लोगों को परेशान कर रहा है अल्लाह रबुल्जत ने ढारस दिया अल्लाह तबारक वाले ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हक पर हैं आप सच पर हैं आपके अखलाक को अल्लाह तबारक तुलंद किया है अल्लाह के नबीम को तसली दी कि आप इस बात की फिक्र न करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जाता लेकिन आप इतने अच्छे, अच्छे अखलाक वाले थे उन लोगों का जवाब बुराई के बजाय अच्छाई के जरिए दिया कर सके अच्छाई से उनका जवाब दिया करते थे आप पूरी तारीख उठा करके देख ले कि अगर आप किसी शख्स के साथ अच्छाई का मामला करें जो आपके साथ बुराई कर रहा हो तो वहां मामला बिल्कुल पलट जाएगा मामला बिल्कुल बदल जाएंगे उसके साथ आप नरमी का मामला करेंगे वो आपके साथ अगर बुराई कर रहा है तो कितना दिन तक वो बुराई करेगा एक अल्लाह तबारक उसके दिल के अंदर नरमी को डालेगा बेशुमार ऐसे वाकयात हैं। आप वो वाकया उठाकर देख लेंगे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं आप अक्सर से सुनते हैं कि दुश्मन आकर अल्ला के अल्लाह के वसल्लम से कह रहा है कि बताओ वसल्लम कौन बचाएगा तलवार लेकर के खुद नसलम की तलवार लेकर के कर कौन बचाएगा अल्लाह के हैं अल्लाह वो डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत बहादुरी के साथ कहा अल्लाह वो खुद डर गया अब हम ऐसे मकाम पर होते तो क्या करते सबसे पहले तलवार उठा के मार देते अल्लाह के नबी नबीम ने ऐसा नहीं किया जब वो डर गया तो उसके हाथ से तलवार गिर गई तारीख में बात सब जिक्र है जब उसके हाथ से तलवार गिरी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखला को देखिए अल्लाह के नबी नबीम उससे पूछ रहे हैं कौन बचाएगा अब तुझे कौन बचाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि वो तो अल्लाह को मानता नहीं था कि आप मुझ पर रहम फरमा दे तो आप बड़े रहीम होंगे दोबारा फिर कहा इस्लाम कबूल करेगा कहा नहीं अब तो मार देना चाहिए जो बदबक ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाए इस हदीस को उठा करके पढ़ लें इस वाक्य को उठाकर पढ़ लें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इस्लाम कबूल करे कहा नहीं हाँ एक बात का वादा करता हूं कि आपके खिलाफ कभी जंग नहीं करूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया हम ऐसा करेंगे हमारे साथ सिचुएशन आ जाए हम तो छोटा किसी को मामूली सा भाई से झगड़ा हो जाए उसको माफ नहीं करते लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दिया करते थे हम अपने अंदर माफी की वो सिफत पैदा करें कि दिल से माफ किया करें हम माफ कैसे करते हैं बस सिर्फ हाँ ठीक है माफ किया अल्लाह तबारक वाली की सिफत क्या है अल्लाह तबारक को तौला माफ़ करता है और माफ़ करने के साथ साथ बंदों से मोहब्बत भी करता है ये सिफत हमारे अंदर नहीं पैदा होती है बाहिर जब हमारी दुश्मनी किसी से होती है तो दुश्मनी के साथ साथ में जो हमारा मामला होता है कि हम जाहिर तौर पर माफ़ करें लेकिन दिली तौर पर हमारा दिल उससे नहीं मिलता है ऐसा नहीं होना चाहिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलात जब हमारी जिंदगी में होंगे तो इन आसानी से बहुत आसानी से हम अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे आइए उन्हीं चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके हालात कैसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन कौन सी फजीलत बताई है कि अच्छे अखलाक अगर होंगे हमारे तो क्या फजीलत है क्या अहमियत है क्योंकि फजीलत जब इंसान को बताई जाए तो उसकी तरफ आने की कोशिश करता है सबसे पहले जान लें कि अच्छे अखलाक हैं क्या अच्छे अखलाक कहते किसे हैं इस बारे में अब्दुल्लाबन मुबारक वो बयान करते हैं जिनका कौल इमाम ने जिक्र किया है अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं कि हुआ बस ही अच्छे अखला क्या है कि आदमी जब एक दूसरे से मुलाकात करे तो मुलाकात के वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो ऐसा ना हो कि जब दो सामने वाला मिले तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाए बाज दफा जब किसी से दुश्मनी होती है तो मिलता भी तो चेहरा मोड़ लेता है ऐसा नहीं होना चाहिए बस बस्तुलवज चेहरे पर मुस्कुराहट हो एक सहाबी कहते हैं कि मैंने जितनी बार भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा आपको मुस्कुराता हुआ पाया आप मुस्कुराते रहते थे वो वाक आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं सहाबा के साथ और एक आराबी आया उसने इतने जोर से चादर घसीटा कि आपके गर्दन पर उस चादर के निशान पड़ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो पूछने क्या मामला है का आप दूसरों को देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। आप सोचो अल्लाह के रसूल और एक शख्स आपको खींच रहा है और साथ में सहाबा भी हैं, लेकिन अल्लाह के नबी जब मुड़ रहे तो कहते हैं आप मुस्कुरा रहे थे हम तो होते सबसे पहले उसको मारते कि तेरी हिम्मत कैसी तूने मुझे हाथ लगाया तुझे मालूम नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हूं तुझे मालूम नहीं कि मैं रसूल हूं ऐसा नहीं कहा अल्लाह के रसूल कहा ठीक है और यह भी नहीं कहा उसको मत दो उसने ऐसी बदतमीजी किया ठीक है उसको दे दो उसको नहीं मालूम है को नहीं मालूम है बाज दफा चीजें हम यूं माफ कर दें कि बस ये सोच करके कि इसको नहीं है। तो बस आप किसी से मुलाकात करें तो आप मुस्कुरा रहे घर में कि आप से हैं वहां पर कुछ मामला हुआ तो आकर के पूरा गुस्सा पर उतारे ऐसा नहीं होना चाहिए की अलामत है वो अच्छे अखलाक वाला बंदा नहीं हो सकता है जो ऑफिस का गुस्सा आकर के बीवी बच्चों पर उतारता है आप मुस्कुराते रहे जो टेंशन है जो गम है आप आकर के लोगों को बताएं इसलिए कहा लोग वज दूसरी चीज मारूफ। आप भली बात का हुक्म देने वाले हों अपने जिस्म के जरिए से अपने आमाल के जरिए से या तो अपने अकवाल के जरिए से आप लोगों को अच्छी बात बताएं या अच्छी बराह बताए अपने अमल से आप लोगों को यह करें या तो फिर अब अपने अखबार के जरिए बताए कि ये चीज अच्छी जरिए को तकलीफ ना हो आप किसी को तकलीफ देने वाले ना बने। अगर आपके अच्छे अखलाक होंगे आप दूसरों को तकलीफ देने ये तीन चीजें जिसके अंदर हैं वो गोया कि क्या है अखलाक वाला बनता है कि जब किसी से मिलता है तो मुस्कुरा के मिलता है और वो भली बात का हुक्म देने वाला होता है तीन वो अपनी जात से दूसरों को तकलीफ नहीं देता है चाहे कोई भी हो अपनी जात से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता है इसी तरीके से एक और मकाम पर इब्न अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी और वजाहत की है कहते हैं जिसके अंदर चार खूबियां होंगी गोया कि वो बंदा सब्र वाला होगा वो चार खूबियां कौन सी हैं असब्र एक बंदा अगर सब्र वाला है इंसान को गुस्सा आ गया अब उसको सब्र करना है यानी कि गुस्सा नहीं आएगा गुस्सा ही इंसान की सिफत है लेकिन गुस्से से जब बाहर आता है तो कुछ लोग धमकी देते कि देख मस्जिद में वरना बताता अभी तुझको मैं अभी वजू बना लिया वरना अभी धमकी देकर बताता है।, वो है कि वो बंदा साबिर नहीं है यानी कुछ लोगों के बुराई करने का एक क्राइटेरिया होता है जैसे नेटवर्क होता है ना कि यहां नेटवर्क आएगा तब बात करेंगे मस्जिद से निकल के आ तब देख मैं कैसा नंगा इंसान हूं मैं कितनी गालियां बकने वाला हूं मैं कैसा इंसान हूं कैसा झगड़ा लू ऐसा नहीं हो सब्र करने वाला हो साबिर बंदा हो दूसरी चीज उसके वागदाम नहीं हो वो बंदा घटिया ना हो वो बेहया इंसान ना हो उसके अंदर बेहयाई ना पाई जाती हो आदमी बेहया बना बैठा है हजार किस्म की बेहयाई पाई जाती है और अपने आप को अच्छे अखलाक वाला बंदा तस्वुर करता है नहीं आज आप देख लें कंपनियों के अंदर एक पॉइंट रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या बताया जाता है कि जो बंदा जिसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो और वो साथ में उनसे मुसाफा भी करता हो उनसे कभी कभार प्रोग्राम के अंदर हगिंग भी कर लेता हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर वो सबसे अच्छा माना जाता है जो ऐसा नहीं करता कंपनी के अंदर उसको बुरा तस्वुर करते हैं कहते तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया है कि पता नहीं ये लोग क्या फॉलो करते हैं उसको अच्छा नहीं मानते उसको बुरा तस्वर करते हैं उसको बुरा माना जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर चल रहा है आप कॉलेजेस में देख लें या इसी तरीके से जो सोसाइटी के अंदर माशरा है आप देख लें ये चीज़ से बिल्कुल नाम। को आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है और उसी चक्कर में आज हमारी बहुत सारी बहनें इत का शिकार हो रही कि वो बदबक वहां से सीख करके चंद कलाम का तरीका सीख करके आता है और बहकाने और फसलाने की कोशिश करता है हमारी बहनों को और हमारी बहू बेटियों को क्या करता है बहरा फुसला करके इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करता है इंसान के अंदर हो हया हो उसके अंदर क्योंकि हया जिस इंसान के अंदर होगी वो बेहयाई की तरफ नहीं जाएगा नंबर तीन अशात उसके अंदर बहादुरी हो उसके अंदर हिम्मत हो उसके अंदर कुत हो और चौथी चीज आदल और अदल और इंसाफ पाया जाता हो ये चार खूबियां जिसमें होंगी गोया कि उसके अंदर क्या पाया जाता है उसके अंदर अच्छी अखलाक अलमतें पाई जाती हैं पहली चीज़ सब्र दूसरी चीज़ रिफत तीसरी चीज़ शजा और चौथी चीज़ आदि अब आइए देखते हैं कि ये चीज़ क्या वाकई में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से डाल के रख इंसान को पैदा किया है या इंसान को ये चीज़ बनानी पड़ती है ये बिक सवाल है ना इंसान पैदा होता है उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता है उसको कपड़े में लपेटा जाता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है माहौल देखता है देखता है अम्मी अब्बू क्या कर रहे हैं देखता अब गाली बख रहे ये भी गाली बगना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करता है माहौल कैसे ये चीज़ वाकई में अल्लाह तबारक तआला इंसान को बदखुल्क पैदा करता है या इंसान बदखुल्क हो जाता है ये चीज कैसे होती है देखिए हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है वो जैसे माहौल को देखता है जिस तरह वो चीजों को देखता है वो वैसे ढल जाता है अब हमें क्या करना है वो तमाम चीज़ें जो इस दुनिया के अंदर हम कर रहे हैं बाज दफ़ा इंसान शहावत परस्त हो जाता है बाज दफ़ा इंसान सब्र को छोड़ देता है बाज दफा इंसान गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता है गलत कामों की तरफ जाता है ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक वाली इंसान में रखी हैं अल्लाह तबारक तआला ये चाहता है कि एक बंदा अपने आप को इस दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जो क्राइटेरिया बताया है अल्लाह तबारक वाला ने उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने वाला बन जाए उसी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बन जाए अल्लाह तबारक के चाहते हैं ऐसा नहीं कि आप अच्छे अखलाक वाले हो जाएंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा ऐसा नहीं है कि आप अच्छे अखलाक वाले बन जाएंगे तो आपके जिसम के अंदर शहावत पैदा सब चीजें अल्लाह रब्बुल रबुलजत ने रखी हैं लेकिन हर चीज का अल्लाह तबारक वाली ने हदूद रखा है हदूद कायम किया है इंसान कब बर्बाद होता है जब उन हदूदों को क्या कर देता है क्रॉस करता है आगे बढ़ता है उन चीज़ों को छोड़ देता है तब उसकी जिंदगी के अंदर तबाही और बर्बादी आती है तबाही और बर्बादी की शुरुआत वहीं से होती है जब बंदा अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने निकाह का रिश्ता इतना बेहतरीन रिश्ता रखा है इंसान जब इसको तर्क करता है तो दूसरी राह अख्तियार करता है दूसरी राह क्या छुप छुप करके पहले मोबाइल शुरू करेगा उसके बाद किसी से फ्रेंडशिप करेगा फ्रेंडशिप करने के बाद उससे मिलेगा शैतान उसको रगलाता है मिलने के बाद फिर वो जैनाकारी की तरफ जाएगा जैनाकारी की तरफ चला जाता है अल्लाह तबारक उतार उसके जिस्म को औरत मर्द दोनों के जिस्म को ऐसा अल्लाह रबुलजत ने बनाया है लेकिन इन चीज़ों में अपने आप को कंट्रोल करके अगर वही काम वो निकाह वाले रास्ते से करे तो अल्लाह ने जायज करार रखा है जायज़ करार दिया उन चीजों को लेकिन वही चीज़ अगर वो शरीयत के दायरे से हट करके दूसरी राह से करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बिना पर उसकी पकड़ करेगा एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा आए और और भी लोग उनके साथ में थे तो वो सहाबी बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद करता है ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है जिनके अंदर बुर्दबारी हो जिनके अंदर समझ हो जो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने यह सवाल किया था अल्लाह कि के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह तबारक तआला ने यह चीज़ इंसान के अंदर पहले से डाल के रखी है या ये चीज़ इंसान को संवारनी पड़ती है तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था कि नहीं इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया है उसके अंदर शहावतें डाली है बहुत सारी चीज़ों की उसको अपने आप को संवारने की कोशिश करनी है उसको अपने आप को बनाने की कोशिश करनी है इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है कि एक इंसान अल्लाह तबारक तआला से दुआ इस बात की करे कि अल्लाह तबारक तआला तूने मेरी तख्लीक अच्छी की है तूने मुझे बहुत अच्छा बनाया है मेरी शक्लो सूरत को तूने बहुत अच्छा बनाया है अल्लाह तू मेरे अख्लाक को भी अच्छा बना दे मेरे किरदार को भी अच्छा बना दे मेरे किरदार को भी तो अच्छा बना दे दुआओं में से नबी वसल्लम दुआ करते थे जैसे अल्लाह के नबी वसल्लम की एक और दुआ हुआ करती थी अल्लाह के वसल्लम दुआ करते थे वह दिनी ले तबारक मुझे अच्छे अखलाक की हिदायत दे मेरे अखलाक अच्छे हो जाए अल्लाह मुझे इस बात की हिदायत दे रे अलावा कोई और मेरे को अच्छा नहीं कर सकता सिर्फ तू ही कर सकता है वह सिर्फ आनी सही तला मेरे अंदर जो बदखुल्की है मेरे अंदर जो खराबियां हैं अल्लाह उसको खत्म कर दे ला यह सिर्फ आन्नी अल्लाह तेरे अलावा और कोई इस चीज़ को खत्म नहीं कर सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करने के साथ साथ उन्होंने हमें क्या सिखाया है कि हम साथ में अल्लाह तबारक तला से दुआ भी करें अब आइए चंद फजीलत हम देखते हैं चंद फजीलतें कि एक इंसान अगर अपने अख्लाक को अच्छा बनाएगा तो उसकी क्या फजीलत है उसकी क्या अहमियत है नंबर एक सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक दुनिया की तमाम कीमती नियामतों में सबसे अफजल नियामत है दुनिया की दौलत ना मिले कोई मसला नहीं लेकिन इंसान के पास अगर अच्छे अखलाक हैं तो बहुत बड़ी दौलत है बाज दफ़ा इंसान को अगर दौलत नहीं मिलती है तो उसको इस बात का एहसास होता है इस बात के बारे में उसे फिक्र होती है कि मुझे दौलत नहीं मिली मुझे रुपया नहीं मिला मुझे पैसा नहीं मिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अरबाउन इदा कुन्ना फला नबीमें चार खूबियां अगर तेरे अंदर हैं तो तुझे दुनिया ना भी मिले कोई बात नहीं दुनिया ना भी मिले तो तुझे किसी टेंशन का एहसास नहीं होना चाहिए वो चार खूबियां क्या है नंबर एक अमानत अमानत के अंदर हिफाजत यानी आपके पास अगर किसी ने कोई अमानत रखी हो आप उसकी हिफाजत करने वाले हो ऐसा नहीं किसी ने आपके पास अमानत रखी और आप उसे पूरा खा जाए आप मस्जिद की खजांची हैं आप कहीं के जिम्मेदार हैं आपके पास पैसा रखा पूरा आपने हड़प लिया पूरा गायब कर लिए नहीं अमानत की हिफाजत करने वाले आज आप देख लें कि जो बड़े बड़े अपने आप को कहते कि हम बहुत बड़े अमीन हैं। एक नंबर के खायन बने हुए हुकूमतों का क्या हाल है कहते हम पब्लिक का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और हुकूमत जो पैसा देती है पब्लिक के लिए पूरा खा करके बैठ जाते हैं सोचते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं अमानत की हिफाजत तो बहुत बड़ी चीज़ है अमानत में और ये मुनाफिक के अलामत है कि उसके पास अमानत रखी जाती है और वो क्या रहता है अमानत ज़ाय कर देता है तो अमानत की हिफाजत वसीतदी हदीस आपके कलाम में सच्चाई हो आप जब बात करें आप जब किसी से कलाम करें आपके ज़ुबान से जब कोई कलिमा निकले तो सच सच्च वाला सच्चाई हो उसके अंदर झूठ ना हो आप झूठ ना बोले चाहे फोन पर चाहे व्हाट्सएप पर चाहे फेसबुक पर किसी चीज पर आप कहीं झूठ ना बोले सच्चाई अख्तियार करें अबो ने पूछा बेटा कहां बात कर रहे थे हाँ अपने दोस्त से बात कर रहा था हालांकि दोस्त से नहीं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था झूठ बोल दिया फौरन कौन देखने आता है कोई देखने थोड़ी आता है अल्लाह देख रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है मेरे भाई कोई नहीं देख रहा अल्लाह देख रहा फरिश्ते लिख भी रहे हैं बतौर शाहिद वो चीजें कयामत के दिन पेश होंगी कि देख फुला जगह फुला मकाम पर फुला घड़ी में फुला मिनट में फुला सेकंड में तूने नहीं झूठ बोला दो सब चीजें कयामत के दिन वाजे हो जाएंगी उस दिन इंसान ये सोचेगा अल्लाह ये तुम सब चीजें उस दिन जब वाजे हो जाएंगे नाम अमाल हमारे हाथ में दिया जाएगा तब इंसान अफसोस करेगा तो उस दिन के अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा सिद्ध हदी कलाम में आपके सच्चाई हो चाहे बिजनेस में हो चाहे कहीं पर भी हो किसी भी मकाम पर आप सच्चाई अख्तियार करें सच्चाई अख्तियार करें झूठ ना बोले मक्कारी ना करें बाद आप दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं बस सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रहा हूं क्यों व्या कर रहे हैं आप ऐसा हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है खरीदा मैंने इतने में है और आपको इतने में दे रहा हूं वो भी झूठ बोल रहे होते हैं इतने में खरीद करके इतने में दे रहा हूं इस तरह के झूठ बोल करके अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं सच्चाई अख्तियार करें आप कलाम के अंदर झूठ ना बोलें नंबर तीन वह हुस्न खलीकन आपके अखलाक अच्छे हों आपके अखलाक अच्छे हों और नंबर चार वन फित आप जो लुकमा खा रहे हो वह हलाल का लुकमा हो हराम का लुकमा ना हो ऐसा ना हो कि आपकी परवरिश हो रही हो मुकम्मल हराम में इस दुनिया के अंदर जो भी खा रहे हैं पी रहे मुकम्मल हराम खा रहे हैं आप इस बात को याद रखें यह चीज अगर आपके अंदर है तो आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी वह दूसरी हदीस है कि आपका हराम खाया हुआ जब आपके पेट में जाएगा जुबान से कहेंगे या रब रब कहां से रब? तो रब की बात ही नहीं मान रहा है तेरे पेट में जो लुकमा है तेरे पूरे जिस्म की परवरिश हराम खोरी में हुई है तो अल्लाह से दुआ कर रहा है खाना हलाल हो कोशिश इस बात की करें कि एक रुपया भी हराम में नहीं खाऊंगा हलाल खाने की कोशिश करें तो ये चार खूबियां जिस बंदे में हैं चार खूबियां कौन सी नंबर एक अमानत की हिफाजत नंबर दो कलाम में सच्चाई नंबर तीन अपने अखलाक को अच्छा बनाना नंबर चार और खाना जो खाएं आप हलाल खाएं पाक खाएं गंदी चीजें ना खाएं गुड़ का मुंह में भर करके रखें कोई मना कर रहा है क्यों थूक रहा है भाई तो जवाब क्या देता है आपके बाबा का रोड थोड़ी है ऐसा उल्टा जवाब देता है बंदा एक तो गलत काम भी कर रहा है कोई मना कर रहा है तो उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है ये चार खूबियां जिस बंदे में है अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं गोया उसके पास दुनिया के दौलत ना भी हो बहुत बड़ी दौलत है बहुत बड़ी दौलत है बहुत बड़ी चीज अल्लाह तबारक वाली ने उसे अता कर दी है बहने और भाई सोच लें हम सब लोग सोच लें मैं और आप सब ये चारों खूबियां हैं कि नहीं है हमारे पास कोई अमानत रखता है तो हम उसमें खुर्द बुर्द तो नहीं करते हैं, निकाल लेते हैं और यहां वहां कर देते हैं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम झूठ बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमारे अखलाक बुरे हैं हमारे किरदार बुरे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हराम है दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि लोगों को आप अगर, अगर अपने करीब लाना चाहते हैं तो पैसों से नहीं ला सकते हैं लोग पैसा देते हैं कि लोग वोट उनको देंगे नहीं देते लोग पैसा जेब में रख लेते हैं लेकिन वोट भी नहीं देते हैं पैसों से लोगों को नहीं जीत सकते हैं आप लोगों को अगर जीत सकते हैं तो अच्छे अखलाक से जीत सकते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन नकुम लन ए दुनिया के लोगों तुम लोगों को पैसों से नहीं जीत सकते हो पैसा खर्च करके लोगों को अपने करीब नहीं कर सकते हो मिनकुम वजही व अल्लाह के लोगों को अपने करीब ला सकते हो मुस्कुराहट के जरिए अच्छे अखलाक के जरिए लोग तुम्हारे करीब आ सकते हैं लोगों का दिल तुम जीत सकते हो किसके जरिए से अच्छे अखलाक के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल उड़ाकर देख लें आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इज्जत ने कहा कि ए नबी पाक सल्लाब अगर आप सख्त दिल वाले होते सख्त जुबान वाले होते सख्त बिहेवियर वाले होते तो लोग जो साहब आपके इर्द गिर्द हैं करीब नहीं आते सब भाग जाते यहां तो ऐसा कि एक बार जो मिलता है वो जाना नहीं चाहता है हमारा मामला ऐसा है कोई गैर मुस्लिम हमसे मिलता है तो बाद दोबारा कहता कि अब उस मुसलमान से नहीं मिलूंगा ऐसी बदतमीजी उसके साथ हम करते लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक बार मुलाकात करता था एक बार मिलता था वो कहता था आज मैं बेहतरीन इंसान से मिलकर के आया अगर आप सख्त दिल वाले होते सख्त जुबान वाले होते सख्त बिहेवियर आपका होता सख्त मामला लोगों के साथ आपका होता लनफिनिक तो जो लोग आपके करीब आ गए हैं वो करीब ना आते सब दूर होते आप देखें दुनिया के अंदर जिसका मामला सख्ती का होता है लोग उससे बात करना भी गवारा नहीं करते हैं कि इसके मुंह कौन लगेगा ये बंदा तो मुंह खोलता है तो गालियां सिर्फ बकता है उससे सलाम करना भी लोग गवारा नहीं करते क्योंकि इतना सख्त बना बन के बैठा हुआ है कि बिल्कुल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं जल्लाद बना रहता है ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों को अपने करीब लाना चाहते हैं अपने दिल को नरम करना होगा पता चला शुरुआत कहां से होती है इंसान के कल्ब में अगर शकावत होती है तो उसके असरात उसकी जाहरी जिंदगी में होते हैं उसकी जुबान गलत हो जाती है उसकी जुबान से गाली निकलती है उसके असरा उसके जिंदगी के अंदर वाजे तौर से जाहिर होते हैं मिन अपने इर्द गिर्द आप लोगों को दूर पाते तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फाफ अनहम आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें माफ किया करें आप भी रहते हैं गली में कोई फ्लैट में रहता है कोई अलग अलग जगह पर आपके पड़ोस में जो लोग हैं उन्हें माफ़ कर दिया करें माफ़ कर दिया करें इंतजार ना करें कि मरेगा तब माफ करूंगा हमारे बास भाई ऐसे बास ब होती कि नहीं इसको नहीं माफ़ करेंगे मर जाते हैं हाँ ठीक है अब माफ़ कर देते हैं उस वक्त माफ करके क्या फ़ायदा भाई मलकुल मौत का इंतजार ना करें माफी तलाफी के लिए आप उसके गरगरे का इंतजार ना करें माफ कर दें अल्लाह माफ कर देता तो हम क्यों माफ नहीं करते हैं भाई हम अल्लाह से बड़े हो गए हैं हम अल्लाह से बड़े हो गए हैं बाज ऐसे भी बदबक होते हैं अपने भाइयों को नहीं माफ करते कि मेरा भाई है इसने मेरा हक मामला अल्लाह देख लेगा ना उसने आपका हक लिया लेकिन आप उसको माफ कर दें हक लिया है उसकी सजा उसको मिलेगी सलाम कलाम बंद कर देते हैं मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया नहीं माफ़ करूंगा इसको वो मुझसे आके माफी मांगे वो मुझसे आकर के माफी मांगने की कोशिश फाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए नबी अगर इन लोगों से कुछ गलती हो जाए करे उन्हें माफ कर दिया अभी माफ कर कर दिया दिया करे नबी साहब करते थे वस्तग़फ़िर साथ में उनके लिए मफरत की दुआ भी करें उनसे कुछ गलती हो जाए उनके लिए माफी तलब करें वो शाविर फिल अमरी और उनसे मामले के अंदर मशवरा भी किया करें अल्लाह के नबी को क्या हुक्म दिया गया उन्हें माफ करें और उनके लिए मफफरत की दुआ करें और जब कोई मामला हो तो उनसे मशवरा भी लिया करें हम ऐसा करते नहीं हम तो पहली बात माफी नहीं करते हैं दुश्मनी हमेशा के लिए हो जाती है भाई भाई में दुश्मनी जिंदगी भर हो जाती है मौत के वक्त भी उसको माफ़ नहीं करता है मौत उसकी हो जाती है लेकिन उससे मिलने नहीं आता है उसके लिए मफफरत कर दुआ करना तो बहुत दूर की बात आप देखें आज माशरे के अंदर चीजें आम हैं आपस का बहुत सास बहू का झगड़ा हो गया कई कई दिनों तक बात ही नहीं माफ करना तो लोग ऐसा लगता कितनी बड़ी बात है यह बहुत आसान चीज़ आप माफ कर ज़िंदगी बड़ी है कब इसका खात्मा हो जाए किसी को नहीं मालूम किसी को नहीं पता है कब हम दुनिया से चले जाए और मौत जब आएगी तो किसी खूबसूरत किसी मालदार किसी अमीर किसी गरीब किसी दौलत किसी छक को नहीं देखती है। कुल मौत मौत आएगी और फौरन लेकर जाएगा फरिश्ता चाहे बीवी रोए चाहे बच्चा रोए चाहे बहू रोए नाती रोए पोता कोई भी हो फौरन आपको जाना है अच्छा बीबी बहुत रो रही हो मौत के बाद उससे कहा जाए ठीक है अब मत रो इनको दफन नहीं करेंगे मानेंगे वो नहीं बोले कि जल्दी लेके जाओ यहाँ से जल्दी लेके जाओ आपके इंतकाल के बाद आपका मामला ख़त्म कितने दुश्मन थे कितने दोस्त थे कितना पैसा था कितना रुपया कितनी खूबसूरती सब खत्म आपका पूरा मामला ख़त्म अब क्या बचा है आपके अमाल सिर्फ बचे हैं जो कयामत के मैदान में पेश होने वाले हैं आप क्या कर रहे थे चुपके चुपके फेसबुक पर कितने वीडियो देखते थे साफ से छुप करके कोई नहीं देख रहा था अल्लाह देख रहा था ना कितनी शॉर्ट फिल्में देखते थे आज हमारे नौजवानों की आदत क्या बन गई कहीं भी बैठ रहे हैं ट्रेन में बैठ रहे हैं चुपके से कहीं घर में बैठ रहे हैं क्या देख रहे हैं शॉर्ट वीडियोज शॉर्ट वीडियोज मुश्किल से बीस सेकंड दस सेकंड की होती है उसमें क्या देख रहे हैं बस सिर्फ यूं ही वक्त गुजार रहे हैं दुआ याद कर रहे बोलो नहीं याद होती है लेकिन शॉर्ट वीडियो में बहुत मजा आता है ना फनी वीडियोस रहती हैं उसमें थोड़ा हंसने मिलता है ये सब चीज़ें आज उम्मत के अंदर आम हो गई अल्लाह अल्लाह के पनाह इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों को अपने करीब अगर लाना है लोगों को माफ कर दो माफ अल्लाह के लिए माफ कर दो अल्लाह आपको माफ़ करेगा आप आप किसी को माफ करें तो अल्लाह आपको माफ करते कितनी बड़ी बात है मेरे भाई ये अच्छे अखलाक की अलामत है कि आप किसी को माफ कर दें और अल्लाह आपकी खताओं को माफ कर देगा अल्लाह आपकी खत का दूसरी चीज़ है नंबर तीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि मन वल बहुत गहरा ताल्लुक है ईमान का और अच्छे अखलाक का बहुत गहरा ताल्लुक है ईमान से यानी वो बंदा जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखरत पर ईमान रखता हो तो कितनी बड़ी बात कही जा रही है फला यू दी जा रू तो वो अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ ना दे एक में यहां तक अल्लाह के ला ला तीन बार अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है जो अपने पड़ोसी, पड़ोसी को को तकलीफ दे हैरान आज कितना तकलीफ दिया जाता है कितनी तकलीफ दी जाती है कितने झगड़े होते हैं पड़ोसी को तकलीफ ना दे वो शख्स जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे चाहे वो कोई भी हो नंबर दो आखिरत के दिन पर ईमानतु अपने मेहमान के मेहमान नवाजी करे उसके साथ बदतमीजी ना करे कोई भी हो कि मेरे घर पर आ गया इतने दिन से बैठ के खा रहा है जा नहीं रहा है नहीं बदतमीजी ना करें मेहमान अल्लाह अकबर मेहमान अल्लाह की तरफ से बरकत है अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान आप सोचें कि आपके घर पर मेहमान गोया की बरकत है आप ही ना सोचें कि आएगा मेरा पूरा माल खत्म हो जाएगा नहीं उसके जरिए अल्लाह तबारको तलाब से राजी हो जाएगा अल्लाह आपसे राजी हो रहा है एक मेहमान के मेहमान नमाजी करने के बिना आप से खुश हो रहा है कान बिल्लाह आखर या लामत। कि एक बंदा अल्लाह पर आखरत के दिन पर ईमान रखता हो तो चाहिए कि वो जब भी कोई बात करे कोई भी बात करने से पहले भली बात करें वरना खामोश रहे यहां वहां की चबड़ चबड़ जो भी जुबान में आ रहा बकता जा रहा है नहीं कोई भी बात करे खैर वाली बात करे शर वाली बात ना करे इससे उन भाइयों को बहनों को भी तंबी है जो घंटों घंटों कई घंटों बैठ करके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं या कोई लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हैं हाँ यहां वहां की कहानी बस सिर्फ ये सब खुराफात है एक एक कलिमा आपका लिखा जाता है याद रखें आप शादी से पहले जो बातें हो रही सब कुछ लिखा जा रहा है ये ना सोचे कि वहां पर सिर्फ सब चीजें मौजूद होंगी कुल शगीर कबीर मुस्तर हर छोटा बड़ा सब लिखा जा रहा है वो नहीं सोचे कि नहीं बड़ा गुना थोड़ी मैं सिर्फ बात ही तो कर रहा हूं सिर्फ हालचाल ही तो पूछ रहा हूं शैतान लगा हुआ है शैतान दिल में क्या वो सड़ता है कि देख अल्लाह गफूर रही माफ कर देगा तो इसलिए डेली तू बात कर लगा देता है फल खैरा खैर वाली बात कर भली बात कर वरना खामोश रहे मनसा मत ना जाए जो बंदा खामोश रहेगा वो कामयाब हो जाएगा तो ईमान का बहुत गहरा ताल्लुक है अखलाक से वाकई में एक बंदा अगर अल्लाह से तकवाख्तियार करे अल्लाह तबार को तला का डर उसके दिल में हो तो कभी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देगा मेहमान उसके घर पर आएंगे तो कभी वो ऐसा नहीं बदतमीजी उनके साथ करेगा कभी वो अपने जुबान से कोई अल्फाज कहने से पहले सोचेगा कि अल्लाह के सामने मुझे पेश होना है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल हादीसी वारक के अंदर बयान फरमाते हैं कि एक बंदा इनमिना मुमिन होता है एक मोमिनकू बेहसन खुल्के अपने अच्छे अखलाक के जरिए यानी आदमी के अखलाक अगर अच्छे हैं दरजत क़ाइमी कितना मकाम पा लेता है एक आदमी रोजा रख रहा है और एक आदमी नमाज पढ़ रहा है रात में क्याम करता है और नफली रोजे रखता है उसके मकाम को पा सकता है एक बंदा जिसके अखलाक अच्छे हैं और एक बंदा कैसा है जिसके अख्लाक अच्छे नहीं बस सिर्फ नमाज पढ़ता है और क्या करता है रोजे रखता है लेकिन उसके मकाम को पा सकता है किसके मकाम को जो बंदा रातों को नमाज पढ़ता है और रोजे रखता है अच्छे अखलाक वाला बंदा उसके मकाम को पा सकता है और क्यामत के जब तराजू कायम होगा मेरे भाई तो तराजू जब कायम होगा तो आपके अमाल को उस तराजू में रखा जाएगा Allah के फरमाते हैं मा मिन कितनी बड़ी बात है। मा मिन कोई ऐसी मोबाइल आपके तराजू में नहीं रखा जाएगा आपके अमाल रखे जाएंगे तो उन आमाल में से आपके तराजू को कौन सी चीज भारी कर सकती है शैइन इन फिल मीजान मीजान को अगर कोई चीज भारी कर सकती है तो कौन सी चीज़ है अच्छे अखलाक अच्छे अखलाक ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से आपके तराजू भारी हो सकता है आपके अमाल बढ़ सकते हैं आपकी नेकियाँ बढ़ सकती हैं दूसरी कोई चीज़ नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके जरिए से आपके अमल बढ़ सकते हैं एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी वम की खिदमत में हाज़िर हुए उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताइए कि कौन सी वो चीज़ है कि जिसके जरिए से जिसके करने पर इंसान जन्नत में दाखिल हो सकता है जहन्नम से दूर हो सकता है अल्लाह के ने फरमाया तक्वा अल्लाह ही अल्लाह का तक्वा अल्लाह का डर अल्लाह की खशियत अल्लाह देख रहा है इस बात का एहसास जैसे कहीं कैमरा लगा होता है और आप खाना खा रहे हो तो कितने एहतियात से खाते हैं ना कि कोई लुकबा ज्यादा जाएगा तो उसमें वीडियो में आएगा लोग देखेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे अल्लाह देख रहा है आपको इस बात का एहसास है कहीं भी रहे अल्लाह से डर तकवा बहुत बड़ा जरिया है इंसान को अल्लाह तबारा के हुक्मों को ताबे करने का आप चाहते हैं कि आपके अखलाक अच्छे हो जाए आप मुतकी बन जाए इतना चाहे जहां रहे पुलिस के डर से आप आपने आपको सुधार लेते हैं ना तो ऐसे आप ये तस्वर कर लें कि अल्लाह आपको देख रहा है अल्लाह हमेशा आपको देख रहा है एक सेकंड के लिए भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं है आप हमेशा चाहे वो चादर ओढ़ करके आप मोबाइल देखें चाहे रजाई के अंदर आप अपने आप को छुपा ले अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने वाला है और दूसरा सवाल क्या रसूल ने कि अल्ला के अल्लाह फरमाइए कि कौन से वो लोग हैं जो जहन्नम में ज्यादातर दाखिल किए जाएंगे अल्लाह के ने बयान फरमाया वल फर्ज दो गुनाह की बिना पर जो अपने जुबान से ऐसी वैसी यहां वहां की बातें करते हैं और अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते हैं ये हिफाजत ना करने की बिना पर अपने मुंह की वजह से और अपने शर्मगाह की वजह से ज्यादातर लोग जानना में जोक दिए जाए सोचें अपने बारे में गौर करें कहीं इन बुराइयों में तो हम मुल्स नहीं है चाहे वो किसी भी तरीके से चाहे कोई बंदा तनहाई वाला गुना करता हो छुप छुप करके करता हो चाहे वो एलानिया का तो किसी में भी ये शामिल है सब अल्फम वफर्ज ये दोनों जरिए से बुराई करने वाला अल्लाह के फरमाते हैं क्यामत के दिन ज्यादातर लोग दाखिल किए जाएंगे आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत हमारी इतनी होती है कि हर शख्स चाहता है कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ रहूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा अगर चाहता है कि क़यामत के दिन वो मेरे करीब हो एक सहाबी आए तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपके साथ रहना है यहाँ मैं देखता हूँ आपके साथ रहता हूँ लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं वहाँ पर कहाँ पर आपके आप मुझसे मिल पाएंगे और बाकी एक एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा भी जो आपके लिए वज़ू का पानी रखा करते थे पूछा कि कुछ मांगना है मांगो क्या मांगते हो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए मुझे जन्नत में आपके साथ रहना है कितनी बड़ी बात है भाई मामूली चीज़ थोड़ी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाक़त आपकी कुर्बत तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम मुझे मेरे करीब रहना चाहता हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा नमाफिल पढ़ो यानी फ़राइज़ के साथ साथ में क्या करो माफिल का करो तो अगर कोई बंदा चाहता है कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा करीब रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत सल्लासे हासिल हो इन इलैया व अक़रबकुम मिन्नी तुम में से जो शख्स चाहता है कि मैं उससे क्या करूँ मोहब्बत करो और वो क़यामत के दिन मुझसे बहुत ज्यादा करीब हो तो अपने अखलाक को दुरुस्त बना बनाने कौन बंदा होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे दुनिया में जिसके अख्लाक अच्छे होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझसे ज्यादा करीब होगा मैं उससे मोहब्बत करने वाला होंगे वह वा इन न अब कोलिया और क़यामत के दिन सबसे मज़ज़ बंदा वो होगा कौन सा मकबूज होगा तो वह अब अदा को और मुझसे बहुत ज़्यादा दूर होगा जिसके अखलाक बुरे होंगे जिसके किरदार बुरे होंगे जो घटिया अख्लाक वाला होगा ऐसा बंदा क़यामत के दिन मुझसे बहुत दूर होगा मेरे भाइयों बातें बहुत सारी हैं आप अपने अखलाक को दुरुस्त करें हर शख्स मैं और आप बहने और भाई सब सोचें कि हमारे अंदर क्या खराबी है कौन सी वो खराबियां जिन खराबियों के बिना पर आज हमारे मामला खराब हो रहे हैं आपस में झगड़े हो रहे हैं आपस में मियाँ बीवी के दरमियान भाई भाई के दरमियान दोस्त के दरमियान या इसी तरीके से खानदान के अंदर इतने सारे जो मामला हो रहे हैं क्या वजह है हर शख्स ये कोशिश करे मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है मुझे कोई गाली देगा खामोश रहूंगा ऐसा तो नहीं होता आमतौर से अगर कोई किसी को गाली दे तो उल्टा इतनी गंदी गाली देता है कि दोबारा वो जवाब ना दे सके वो कोशिश करता मैं उससे गंदी गाली दूंगा ऐसा ना करे अपने आप को कंट्रोल वो ये सोचे कि अल्लाह इसके बिना ये मुझे बुरा कह रहा है मैं चुप रहूंगा अल्लाह मुझे अजर देगा ये आप जहन में रखें जब ये जहन में रखेंगे तो सब्र करना आपके लिए आसान होगा हो जाएगा बदले के तौर पर उससे गंदी गाली देंगे उससे बुरा भला कहेंगे और ज्यादा आप मारपीट करने की कोशिश करेंगे मामला खराब हो जाएगा और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहें कि ए रहे तबारक तआला तुमने हमारी तख्लीक अच्छी की है तूने हमारी पैदाइश अच्छी की है ए अल्लाह हमारे अखलाक को भी तो संवार वाला वही है और कोई नहीं संवार सकता है अल्लाह तबारक व तआला ही अख्लाक को संवारने वाला है वही संवार सकता है और आप उलमा की रहबरी में रहें उलमा के साथ मिलें बयानारनें इसके जरिए भी इन आपके सुदा, अंदर सुधार पैदा होगी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे उम्मत मुसलमान के अंदर कई सारी खराबियाँ पाइए तो अल्लाकी इस फ़रमा दे अल्लाह तबारक तौला हमारे अख्लाक को तो दुरुस्त फ़मा देना अल्लाह तबारक हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे तब सुना रख और हमारा खात्मा तो ईमान पर हुआ तो ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियो देखने और मनहज सलफ़ आरोप सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन खैरन